नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए बनाते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। आज मैं आपके साथ एक ही इंग्रेडिएंट से बहुत सारे मिठाई बनने वाले रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इन्हें बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो बारीक सूजी 1 कप लिए हैं, मिल्क पाउडर 1 कप और चीनी 1/2 कप लिए हैं। यदि आप मीठा ज़्यादा पसंद करें थोड़ा सा बढ़ा लें। 5-7 पिस्ता को घिस लिए हैं, घी 3 बड़े चम्मच लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले गैस पर एक पैन रखकर गैस ऑन कर लिए हैं। अब इनमें घी डालते हैं, अभी 2 चम्मच डालेंगे घी और घी को मेल्ट होने देते हैं। अब इनमें डालते हैं सूजी और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, हमें लो फ्लेम पर ही सूजी को भूननी है। 5 मिनट के लिए भूनेंगे सूजी को और सूजी का कलर चेंज नहीं करना है हमें, जस्ट कच्चापन चला जाए। तो देखिए सूजी को मैंने 5 मिनट भून लिए हैं लो फ्लेम पर ही और सूजी का कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से भूननी है सूजी को, देखिए इसी तरह से। तो चलिए अब गैस ऑफ कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इन्हें साइड में रखकर सेम पैन गैस पर रखकर इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और चीनी डाल लेंगे इनमें। और चीनी को चलाते हुए पहले घुलने देते हैं फिर चेक करेंगे। तो देखिए चीनी घुल चुकी है, अब इन्हें चेक करते हैं। हाथों में जैसे शहद चिपकती है इसी तरह से चिपकनी चाहिए हमारी चाशनी, हमें कोई तार नहीं बनानी है चाशनी में। तो अब चिपक रही है चाशनी शहद की तरह, तार नहीं बन रहे देखिए। तो अब इनमें हम डालते हैं सूजी और गैस का फ्लेम अभी लो ही रखे हैं। सूजी को डालकर पहले अच्छी तरह से मिला लेते हैं, फिर इनमें डालेंगे मिल्क पाउडर और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। अब हम इनमें डालते हैं मिल्क पाउडर और मिल्क पाउडर को भी डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे पहले। तो मिल्क पाउडर भी अच्छी तरह से मिल चुका है। अब इन्हें हम अच्छी तरह से चलाते हुए 1 मिनट के लिए पकाएंगे और चलाना बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, नहीं तो मिल्क पाउडर जल जाएगा नीचे से। अब घी डाल लेते हैं 1 चम्मच और इसमें आप चाहे तो इलायची को कूटकर 2-3 इलायची को कूटकर डाल लें, अथवा कोई एसेंस रोज एसेंस अथवा केवड़ा एसेंस 1-2 बूंद डाले सिर्फ। अभी मैं केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ 2 बूंद और डालकर मिला लेते हैं। अब तैयार हो चुका है हमारा ये मिश्रण, तो गैस को कर देते हैं बंद और इन्हें एक बॉल में अथवा प्लेट में निकाल लेंगे इन्हें। देखिए इसी तरह का होनी चाहिए। तो अभी मिठाई मैं 2 कलर का बनाऊंगी, तो 1/3 जितना अलग निकाल लेती हूँ और बाकी एक बॉल में निकाल लेती हूँ। यदि आप 1 कलर का बनाना चाहते हैं तो एक ही जगह रखें। 1 पिंच येलो फूल कलर को पानी में घोल लिए हैं, इस तरह से डाल देते हैं। अब हम इसे मिलाएंगे, मिलाते हुए ठंडा करेंगे इन्हें और जब ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा गर्म रहे तब हम हाथों पर थोड़ा सा घी लगाकर और मिठाई का शेप देंगे। तो चलिए अब बनाते हैं मिठाई। तो मैं इतना ही इसमें एक प्लेट में ग्रीस कर लिए हैं घी से और उतना ही जितना येलो कलर निकाले हैं उतना ही इसमें निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा मैं बर्फी का शेप दूंगी और निकाल कर इसे इसी पैचुला से अथवा अपने हाथों से भी कर सकते हैं, चकोर शेप दे देंगे इन्हें ताकि हम जब बर्फी का शेप काटे तो हमारा बर्फी अच्छी तरह से शेप में आए, कटे बिगड़े नहीं।
अब इनके ऊपर कोई ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मैं अभी बादाम लगा रही हूँ और इसे इस तरह से लगाकर और सेट होने देंगे, फिर अपने मनपसंद शेप में काट लेंगे। तो अब बाकी का मिश्रण को भी एक डो की तरह बना लिए हैं। देखिए अब चलते हैं दूसरे मिठाई बनाते हैं। तो इनमें से थोड़ा सा एक नींबू का आकार का मिश्रण तोड़ेंगे इस तरह से और अपने हाथों से इस तरह से घोल दबाते हुए बना लेंगे। अब एक को लेकर अपने दोनों हाथों से इसे गोल करेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह की होनी चाहिए। अब इसे उंगली से इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब इनमें डालते हैं लौंग। लौंग डालकर थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। देखिए तो एक तरह का मिठाई हो गया। अब इन्हें रख देते हैं प्लेट में। अब दूसरी मिठाई बनाते हैं। तो इसी मिश्रण से निकालकर इस तरह से गोल करेंगे पहले और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, चपटा बनाएंगे इन्हें। अब इन्हें एक फॉर्क से इस तरह से देखिए हल्के हाथों से प्रेस करते हुए डिजाइन बनाएंगे। अब ये हो गया है तो अब दूसरा बनाते हैं, इसे रख देते हैं। अब दूसरा बनाकर भी दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से, तो चलिए अब येलो कलर का मिठाई बनाते हैं। तो इसी तरह से इसे गोल बना लेंगे और प्रेस कर लेंगे थोड़ा उंगली से। अब इनके ऊपर एक चम्मच की सहायता से डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से, नजीक से दिखाती हूँ, इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे इक्वल मात्रा में, चारों तरफ से इस तरह से प्रेस करते हुए बनाएंगे तो इस तरह का डिजाइन बन जाएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है डिजाइन। अब इनके ऊपर पिस्ता जो घिसकर रखे हैं इन्हें डालकर सजा देते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। तो अब इसी तरह से सभी मिठाइयाँ बना लेते हैं पहले। तो ये लीजिए, मैंने सारे मिठाइयाँ बना लिए और दिखने से पता चल रहा होगा कि कितना सुंदर बनी है ये मिठाई। और चलिए मैं आपको एक तोड़ कर भी बताती हूँ कितना सॉफ्ट बनी है ये मिठाई। देखिए किसी को पता नहीं चलेगा कि आप ये खोआ से नहीं बनाए। कम लागत कम मेहनत में बहुत जल्दी से बन जाने वाली है ये मिठाई। तो आप किसी भी तीज त्यौहार में इसे बनाकर झटपट से सर्व कर सकते हैं और सभी बहुत पसंद करेंगे। तो आप ज़रूर इसे बनाकर सर्व कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।